अध्याय चार। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा। वो 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया। जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह की रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई और वो उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। और वो नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई। उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहाँ ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। तब वो उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभा किया और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर ये कहावत अवश्य कहोगे, हे वैद्य अपने आप को अच्छा कर, जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है उसे यहां अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। और मैं तुमसे कहता हूं, एलियाह के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इसराइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलियाह उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास इलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सूर्यानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। उन्होंने उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था
उसकी चोटी पर वे उसे ले गए कि उसे वहां से नीचे गिरा दें, पर वो उनके बीच में से निकलकर चला गया। फिर वो गलील के कफरनहूम नगर में गया और सप्त के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वो ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है कि वो अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं? सो चारों ओर हर जगह उसकी धूम मच गई। वो आराधनालय में से उठकर शमोन के घर में गया और शमोन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और उस पर से ज्वर उतर गया और वो तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहां लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने प्रत्येक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्मा भी चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। पर वो उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था क्योंकि वे जानती थी कि ये मसीह है। जब दिन हुआ तो वो निकलकर एक जंगली जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि उनके पास से ना जाए। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना आवश्यक है, क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वो गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा।